जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो जांच एजेंसी प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आखिर होता क्या उस ब्लैक बॉक्स में जिसके कारण उसे हर प्लेन में रखा जाता है? तो दरअसल दोस्तों ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए प्लेन में लगाया जाता है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स प्लेन के उड़ने के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की डेटा जैसे प्लेन का डायरेक्शन, प्लेन की एल्टीट्यूड, प्लेन की स्पीड और हलचल जैसे कई और 88 प्रकार के जानकारी के बारे में 25 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन एकत्रित रखता है। दरअसल दोस्तों ब्लैक बॉक्स में भी दो अलग अलग तरह के बॉक्स होते हैं। नंबर 1 फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इससे प्लेन की स्पीड, डायरेक्शन और भी कई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। नंबर 2 कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इससे यह पता चलता है कि हादसे से पहले विमान का माहौल किस तरह का था।